हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं नहाकर आई हूँ, मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आद्या जिद करने लगी थी, सो के उठी है आद्या अभी, बिल्कुल भी उसके 2 मिनट हुए उठते हुए, और उसने देखा कि मम्मा आके नहाकर आके बैठी हुई है। उसको लगा मम्मा के बाल खुले हुए हैं तो मैं कॉम करूंगी, एंड मुझसे हाथ से कंघा ले लिया एंड मुझे कॉम करने लगी। देन फाइनली फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद से किया एंड मुझे जाना था किचन में और मुझे लेना सब पल्ला भी। इस वजह से मैंने अपने बालों को सीधे 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 कॉम करके और उनको टाई किया और चली गई थी। मुझे ना बाल सुखाने का टाइम तो तभी मिलेगा जब मैं रूम में आऊंगी, ठीक है? सो यहाँ पे अभी आधा कर रही है, फिर मैं तैयार होके मिलती हूँ। हाय गाइस, तो अभी मैं किचन में हूँ। दोपहर के बज रहे हैं। दोपहर के क्या यार, सुबह को बोलेंगे दोपहर के, बताना 12 बज रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं बनाने जा रही रोटी। सो मैंने ये आटा लगा दिया है रोटी के लिए, और ये रहा नींबू का अचार जो कि मम्मी ने डाला है। बहुत सारे नींबू लेके आए थे पापा, अपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखोगे तो कैसे खेल रहा था नींबू के साथ में, तो मम्मी ने उसका अचार डाल दिया है। और आज हमारे यहाँ बनी है मसालेदार बैंगन। मैं दिखा के आ रही हूँ, कुछ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिख यम्मी से लग रहे हैं ना, डिलीशियस। अभी मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो बने हैं बैंगन, भरवा बैंगन मसालेदार। एक बार आप लोग साथ की रेसिपी शेयर की थी और देख लो लगते हैं ना यम्मी खाने में, तो ये बनी है। और ये टमाटर की सब्जी, केवल टमाटर की, आलू नहीं पड़े, आलू नहीं पड़े साथ है। इसमें टमाटर की चटनी बनेगी कि केवल यही रहेगा? पता नहीं है चटनी बनेगी इसकी कि ऐसी रहेगा, पता नहीं, बस सब्जी सी बनी हुई है। तो ये है, और कुछ नहीं बनाया मैंने। सोचा दाल बनाऊंगी, बड़ा नहीं बनाएंगे, हो सकता है इसके लिए दलिया बनाऊंगी मैं। और अभी फटाफट से रोटी सेकते हैं। और सुबह का नाश्ता में आलू के पराठे बनाए थे मम्मी ने, मेरे लिए आलू पराठे, आधे पापा के लिए मिर्च वाले सादा पराठे, नमक मिर्च डाल के आटे में गूंथ के, तो वही खाए थे। पेट अभी फूल फूल सा है, लेकिन रोटियाँ बना के रख देंगी ताकि भूख लगेगी, सब लोग साथ खाना खाएंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। दख सो रहा था, सो के जग गया है, रोने भी लगा था, तो बाबू दादी के साथ खेल रहा है अपनी। एंड बहुत जल्द आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी सुनाऊंगी मैं, अच्छी खासी बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द सुनाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को। तो वेट करना एंड गेस करना क्या हो सकती है ना? तो चलिए रोटी बनाते फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। Thank you.
सारे बर्तन धुल गए और स्टैंड लगा रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ स्टैंड लगाया मैंने, ये दूध हो रहा है। और यहाँ पे मैं दलिया ले आई हूँ मम्मी से पूछ के। सो अब मैं इसमें डालूँगी पानी, कितना 1 से 1.5 गिलास पानी लगेगा इसमें अभी मुझे। तो 1 से 1.5 गिलास में पानी डालूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी। चलिए पहले पानी डालते हैं, फिर रहा पानी, थोड़ा पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, बहुत गर्मी लग रही है ना। चींटी ने काट लिया मुझे यहाँ पे, देखो इससे काफ़ी दिख रहा हो, यहीं पे काटा मुझे, बहुत जोर दर्द हो रहा है। मतलब वो क्या बोलते, जलन सी नहीं होती वैसी हो रहा है मुझे। ये रहा घी है ना, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक। नमक जो इस्तेमाल होता है ना हमारे यहाँ, वो होता है सेंधा नमक, तो हम सेंधा नमक ही डालेंगे इसमें। एक दलिया भी बन के तैयार हो जाएगा। दूध होने वाला है, उसको मैं बंद कर दूंगी गैस। किस तरह मैंने ये रखा कुकर में दलिया, कपड़े देखना जरूर साड़ियाँ मम्मी की, देखी अभी भी नहीं देखी। चलो ये दूध हो गया, मैं ये बंद कर देती हूँ। बस मेरा काम रोटियाँ भी सारी बन के रख गई हैं अंदर। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा देर रूम के लिए, बर्तन भी धुल गए मेरे सारे, और जब सीटी लगेगी तब मैं इसको बंद करूँगी। तो सिर्फ प्लेट से ढक दूँ दूध को, क्योंकि दूध को ढकना भी ज़रूरी है। ये हो गया सारा, और अच्छा दक्ष कहाँ है? दक्ष ए दक्ष कहाँ है? ये दक्ष चाय पी रहा है। हाँ अच्छा, आपको दे रहा है चाय, लगा के देगा चाय कि पी होगी कि नहीं। चाय दक्ष चाय दे रहे हैं। जय तो आध्या संग है, थक जाओगी थक जाओगी थक जाओगी थक जाओगी, थक जाएगी आध्या मेरी। वगैरह में नीचे उतार दे दीदी, साथ खेले में लगन। हम लोग नीचे उतर के आ गए थे, फिर मैं खाना बनाने आई थी किचन में। तो यहाँ पे एक मिट्टी की कढ़ाई मम्मी ने निकाल के रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी की कढ़ाई है, इसमें ना पानी भर के रखा भी नहीं है। सो इसे पानी भर के रख देंगे, सोख कर लेगी पानी को अच्छे से, नहीं तो फिर क्या होता है तेल वगैरह इसमें डालो ना तो उसे सोख कर लेगी, तो तेल ज़्यादा पी जाएगी। एंड मिट्टी की कढ़ाई में ना खाना ना सोंधा सोंधा सा बनता है। तो आप लोग क्या बनता है बनाते हो मिट्टी कढ़ाई में तो बताना मुझे। ये थोड़ी बड़ी सी है, तो मैंने सोचा मैं मतलब सीतापुर जाऊंगी तो मैं सीतापुर के लिए मतलब छोटी सी कढ़ाई ले लूंगी, देखते हैं कहीं मिल जाती है तो मैं ले लूंगी। एंड मैंने ये उड़द की दाल आज बनाई है और लहसुन डाल के, बहुत ही यम्मी सी। फ्रेंड आज है नेक्स्ट डे, मैंने ना तो कुछ वीडियो शूट नहीं किया कल, मन ही नहीं किया, इतना थक सी गई थी। एंड कभी भी होता है यार, दिल नहीं करता तो नहीं शूट किया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और सबको दूंगी, मैं लूंगी। तो चाय खोलती है और मैं अच्छे से उसको छान के सबको दूंगी। और आज ना वैक्सीन लगवाने का डे है, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा लिया था और डेट मिल गई थी हम लोगों को। सो आज वैक्सीनेशन है, वो लगवाने जाना है। हमारे घर से हम 6 लोग जाने वाले हैं, हमारी 2 ननद निक्की दी चुटकी दी एंड मेरे 2 देवर जी, चुन्नू भैया मुन्नू भैया, उनका नाम और भी कुछ है, निक्की चुटकी दीदी का भी नाम दूसरा है लेकिन हम लोग प्यार से बुलाते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड, तो हो गए ना 6 लोग। हम 6 लोग जाने वाले हैं और जब जाएंगे तो थोड़ी सी क्लिप मैंने भैया से बोली थी कि बना लेना, अदरवाइज कोई इस तरीके से बनाता नहीं है, सबको थोड़ा सा और लगता है यार कैमरा पकड़ना शूट करना। सो मैंने बोल दिया था, सो मैं वो क्लिप भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बट वहाँ जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ना आई हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ अपनी एक ही साड़ी लेकर आई थी ब्लैक वाली, एंड एक और लाई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हैवी है, जयपुरी साड़ी है। तो वो मैं सोच रही हूँ जब भगवत की पूजा नहीं होती है सोमपति अमावस्या उसमें पहनूंगी।
तो मैंने जो साड़ी यहाँ रखी हुई थी ये येलो वाली, तो मैंने सोचा ये वाली पहन के जाती हूँ। एंड ये ब्लाउज है ये डाल लिया मैंने, ये साड़ी दूसरी साड़ी का ब्लाउज है, प्लेन है ब्लाउज ना, तो मैंने सोचा ये डाल ले रही हूँ और ठीक लग रहा था मुझे। तो एकदम से जब मैंने बांध ली साड़ी एंड तैयार होने के लिए मेकअप किट निकाल ली, सो बस तैयार होने जा ही रही थी, इसी जस्ट बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मुझे इस गेटअप में जब देखा तो बोले मतलब कहाँ कहाँ से मैच कर रहा प्रियंका, मतलब कौन साड़ी कौन सा ब्लाउज क्या है, कुछ तरीके ही नहीं है ये वो। सो मैंने बोला कि यार है नहीं ना इसका, इस वजह से। तो फिर बोले कि रहने दो फिर वही पहनो ब्लैक वाली जिसका पूरा फुल मैच है। सो मैंने फिर ब्लैक वाली साड़ी निकाली, फिर मैंने ब्लैक साड़ी पहनी, ये वाली उतारी, देखो मैंने पिन वगैरह सब लगा लिया था, बिल्कुल रेडी हो गई थी, बस तैयार होने जा रही थी। अब कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन जब हस्बैंड को नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ, मतलब खड़े खड़े साड़ी ही चेंज करवा दी मेरी, तो बस वही है देखो ये देख लो है। और कैमरा ऑन था तो सूट हो गया, नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि देखिए कुछ इस तरीके से इनके रिएक्शन होते हैं। डरते नहीं है बट उनको जो सही नहीं लगता वो बोलते हैं, एंड मैं इनकी बात मानती हूँ जो सही होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आगे का ब्लॉग, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना। मेरा एक और चैनल है आर्यनाध्या नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना और मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर प्रियंका पाटकर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।